अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार। और आज जो है वो अभी इस वीडियो में आज NED 2023 का जो एंटी टेस्ट है इसका राउंड टू आप जानते हैं कि चल रहा है। और राउंड टू में डे टू सेकंड डे का टेस्ट आज हुआ है 20th of August 2023 पर। और शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री, तीन शिफ्टों में। तो उसके कुछ MCQs मैंने इसके अंदर निकाले हैं, जो न्यू MCQs हैं जो इस वीडियो में मैं करवाना चाहता हूं, ताकि वो स्टूडेंट जिनका कल एंटी टेस्ट है NED में, तो वो इन MCQs को एक बार गो थ्रू कर सकें और उसको देख लें। ठीक है, इंग्लिश के और केमिस्ट्री के दोनों से कोई दो सब्जेक्ट्स में डील करता हूं उसके अंदर, तो जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स के MCQs में यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले जो है वो इंग्लिश सेक्शन को हम कवर करेंगे। तो पैसेज जो है वो हमारे पास जो आया है राउंड वन जो है डे टू में, तो शिफ्ट वन में तो आया है हमारे पास बिफोर बैंडिट्स, जो कॉपवेब वाला है हमारे पास पैसेज, ये पुराना पैसेज है। और इस तरह से शिफ्ट टू में हमारे पास जो पैसेज आया है स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, ये भी हमारे पास जो है वो ओल्ड पैसेज है, जिसको मैंने ऑलरेडी अपने इस प्लेलिस्ट में NED पास पेपर की प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो डे टू में कोई नया पैसेज नहीं आया, जैसे कि हमने देखा था कि डे वन में एक नया पैसेज मौजूद था फूड डेजर्ट वाला, तो इसमें नहीं आया इस बार। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पैसेज को डिस्कस नहीं कर रहा। सेंटेंस कंप्लीशन कुछ जो है वो स्टूडेंट्स सेंड किए हैं उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट है, देर वॉज नो डैश इन वेटिंग एट 6 o'clock, सो वी लेफ्ट। सो तो देर वॉज नो पॉइंट इन वेटिंग एट 6 o'clock, सो वी लेफ्ट। ठीक है, तो कोई पॉइंट नहीं था कि हम 6 बजे तक इंतजार करते, इसलिए हम चले गए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, पॉइंट। सेकेंड MCQ है, द प्राइम मिनिस्टर डिसमिसेस क्रिटिसिज्म दैट ही हैज डैश द इकॉनमी एंड सोशल इशूज। तो द प्राइम मिनिस्टर डिसमिसेस क्रिटिसिज्म दैट ही हैज नेगलेक्टेड द इकोनॉमी एंड सोशल इशूज, तो इसका ए ऑप्शन होगा हमारे पास, नेगलेक्टेड। थर्ड है, इट डैश दैट दिस म्यूजिक डैश थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द नेक्स्ट ईयर्स। तो इसमें चार ऑप्शन है, दो ब्लैंक्स इसके अंदर है, तो इसका करेक्ट हमारे पास हो जाएगा डी, मतलब इट इज थॉट दैट दिस म्यूजिक इज इन्फ्लुएंसिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द नेक्स्ट ईयर्स। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि प्रेजेंट के साथ हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट का क्लॉज आ रहा है, दैट्स वाई ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है इसमें इज थॉट और इज इन्फ्लुएंसिंग ये हमारे पास आएगा। ठीक है, क्वेश्चन फोर है, ही गिव द डॉक्टर हिज फी। तो फी है, इसको हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो मनी, बैग, इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन, तो फी की जगह पर हम लोग मनी लगा सकते हैं, चूँकि पैसे होते हैं, फी जो होते हैं चार्जेस। नंबर फाइव है, आई डैश मिस्टर रॉबिन्सन्स बिहेवियर, तो इनिशिएट एडमायर, तो यहाँ पर होना चाहिए एडमायर, कि आई एडमायर मिस्टर रॉबिन्सन्स बिहेवियर। तो एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना, कि मैं तारीफ़ करता हूँ मिस्टर रॉबिन्सन के बिहेवियर की। क्वेश्चन सिक्स है, द डॉग ब्रोक अवे फ्रॉम द गार्डन एज इट वॉज डैश टाइड टू द ट्री, कि जो डॉग है वो जो है वो चला गया गार्डन से, भाग गया वो गार्डन से, चूँकि उसको डैश बांधा गया था दरख्त के साथ, तो फोर्सफुली, लूजली, एसेंशियली, टाइटली, जाहिर सी बात है कि उसको लूजली बांधा गया था, तो जब लूजली उसको बांधा गया था ट्री के साथ, इसकी वजह से उस रस्सी को तोड़कर वो गार्डन से भाग निकला। क्वेश्चन सेवन है, एज सून एज डैश रिएक्ट्स विद एसिड, तो एज सून एज अबेस रिएक्ट्स, अबेस विल रिएक्ट, अबेस रिएक्टिंग, तो उसका हो जाएगा अबेस रिएक्ट्स, एज सून एज अबेस रिएक्ट्स विद एसिड। ठीक है, तो अच्छा, रिएक्ट्स यहाँ पर नहीं होगा, मतलब ब्लैंक्स के अंदर ये पूरा ये ब्लैंक्स यहाँ तक है, एज सून एज डैश विद एसिड, तो अबेस रिएक्ट्स विद एसिड, इस तरह से होगा। क्वेश्चन एट है, डैश इज नेसेसरी फॉर बोन एंड टीथ, तो ऑल्दो कैल्शियम, कैल्शियम दैट कैल्शियम इट इज कैल्शियम, तो यहाँ पर सिंपल होगा बी, कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर बोन्स एंड टीथ, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नाइन है, डैश इज अ वर्च्यू, ऑनेस्टी, आ ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी या द ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी हमें पता है कि ऑनेस्टी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमारे पास जो है वो कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, दैट्स वाई हम यहाँ पर सिर्फ ऑनेस्टी लिखेंगे, कि ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, कि ईमानदारी एक वर्च्यू है, वर्च्यू मीन्स नेकी है। क्वेश्चन टेन है, डाइवर डैश सी वेल इन अ डीप मोशन, तो डाइवर सक्सेसफुली या रेयरली, तो ये रेयरली होगा कि ड्राइवर रेयरली सी वेल इन अ डीप मोशन, कि जो ड्राइवर है वो मुश्किल से ही जो है वो देखते हैं व्हेल को इन डीप ओशन, गहरे समंदर में। क्वेश्चन 11 है, यू शुड वॉश योर सैंडल्स इन कोल्ड वाटर टू रिमूव ऑल डैश ऑफ सैंड, तुम्हें ठंडे पानी से अपने सैंडल्स को धो देना चाहिए, ताकि आप उसमें सैंड
के सारे डैश को रिमूव कर दो, तो इम्प्लीकेशंस, ट्रेसेस, डिसीट्स, पेनिट्रेशंस, प्रोपोर्शंस, तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ गोल्ड और ट्रेसेस ऑफ सैंड, ताकि आप जो है वो जितने भी निशानात हैं सैंड के जो ट्रेसेस हैं वो रिमूव हो जाए सैंडल में से। क्वेश्चन 12 है, द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स इज डैश दैट देयर आर फोर टाइम जोन्स। द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स इज मच बिग, टू बिग, सो बिग, वेरी बिग, तो यहाँ होगा सो बिग, कि द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स इज सो बिग दैट देयर आर फोर टाइम जोन, कितना बड़ा है वो कि उसमें चार टाइम जोन्स हैं। उसके बाद स्पॉटिंग एरर है, उसके जो है वो फाइव क्वेश्चंस यहाँ पर निकले हैं। फर्स्ट है, द लेक हेड बिकम्स सो पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट द सिटी नो लॉन्गर परमिटिंग स्विमिंग। तो देखो यहाँ पर जो है वो ए पोर्शन में ही हमारे पास गलती स्पॉट हो रही है, द लेक हेड बिकम्स, तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना, तो यहाँ पर होना चाहिए था हेड बिकम्स सो पॉल्यूटेड। क्वेश्चन टू है, टोटल एक्लिप्सिस आर कंसिडरेबली रेयरेस्ट देन द टोटल एक्लिप्सिस ऑफ द सन। तो चूंकि यहाँ पर देन आ रहा है, तो देन आने का मतलब यह है कि यह हमारे पास जो लगेगा यहाँ पर डिग्री एडजेक्टिव की, तो वो हमारे पास जो है वो कॉम्पेरेटिव डिग्री होगी, तो रेयरेस्ट के बजाय यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रेयरर होना चाहिए। तो ए बी सी डी में, यहाँ पर डी में जो है वो एरर हम यहाँ पर स्पॉट करेंगे, रेयरर। थर्ड है, द सॉन्ग ऑफ दिस मूवी हैज़ बीन सैंग बाय द सिंगर। तो यहाँ पर सैंग, यहाँ पर जो है ये हमारे पास एरर है, चूँकि यहाँ पर संग होना चाहिए सैंग के बजाय। क्वेश्चन फोर है, हेल्दी वेदर ऑफ कागान विल नॉट ओनली क्योर हिज वेल्थ बट हिज नेचर एज वेल। देखिए, तो नॉट ओनली जब आता है तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है, तो यहाँ पर बट ऑल्सो नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो डी पोर्शन है बट यहाँ पर ये गलती है। क्वेश्चन फाइव, वन शुड मेट द जज बिफोर साइनिंग द सेटलमेंट पेपर्स। तो शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, शुड हमारे पास चूंकि एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर मेट के बजाय मीट आएगी, ठीक है, तो ए में एरर स्पॉट हो रहा है। तो वन शुड मीट द जज बिफोर साइनिंग द सेटलमेंट पेपर्स, साइनोनियम उसके बाद फिर हमारे पास कुछ आए में, तो ये छह साइनोनियम है, ग्लॉसी मीन्स शाइनी, चमकदार, इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स, स्पीक आउट का मतलब टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हिलेरियस मतलब फनी, ग्रीवेंसेस के मतलब होता है कंप्लेंट या क्रिटिसिज्म, कोई तंकीद, कोई शिकवा शिकायत, पेल्यूसिड के मतलब होता है ट्रांसपेरेंट या क्लियर, शफाफ, ठीक है, जिसके आर पार दिखा जा सके। तो ये कुछ सरोनियम्स हैं जो डे टू में आए हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन अकर बिटवीन टू सिमिलर कार्बोनिल कंपाउंड, टू डिसिमिलर कार्बोनिल कंपाउंड। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो हमेशा दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच होती है, जिसमें हमारे पास अल्फा कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। सेकंड, हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, हाइड्रोजन को मीथेन की थर्मल डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है, कि जब मीथेन को आप हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन ये आपको अलग मिल जाते हैं। थर्ड, जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड का तो हमारे पास RCOH होता है और कीटोन का हमारे पास होता है RCOR, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन इज एन एटॉमिक स्टेट कॉल्ड डैश। जब भी हाइड्रोजन किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है एटॉमिक स्टेट में, उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है, जिसको हम इस तरह ब्रैकेट H से शो करते हैं। व्हाट, कभी भी जैसे कि जिंक को HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो ZnCl2 और जो हाइड्रोजन यहाँ पर बनेगा तो वो नेसेंट हाइड्रोजन होगा, ये एटॉमिक स्टेट में ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन फाइव है, C2H4 इज सिमिलर टू, तो C2H4 चूंकि हमारे पास इथीन है, तो अल्कीन फैमिली का दूसरा मेंबर हम देख लेते हैं वो भी है C3H6, दिस इज एक्चुअली प्रोपीन, तो ये सेम मेंबर है, बाकी ए नहीं होगा, ये प्रोपेन है, सी भी नहीं होगा, जनरल फॉर्मूले के लिहाज से ये प्रोपाइन है। क्वेश्चन सिक्स, एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन डैश। एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप में ही होता है, जैसे एल्डिहाइड से कीटोन्स के साथ होता है, तो बी ऑप्शन। सेवन्थ, एस्बेस्टॉस क्या है, तो एस्बेस्टॉस एक मिनरल फाइबर है, मिनरल की सूरत में जमीन के अंदर से निकलता है, एनिमल फाइबर या प्लांट फाइबर नहीं है। क्वेश्चन एट, वैलेंसी ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट इज डैश।
ठीक है, या वैलेंसी से मुराद एक, आई थिंक ये वैलेंसी कह रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के एक्सेलरेटेड स्टेट में, तो ये 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में, वैसे होती है 1s2, 2s2 और 2p2, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन पी पे जम करता है, तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। क्वेश्चन 9 है, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? तो अल्कोहल्स की आप जानते हैं कि अल्कोहल है, अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले तो ये हमारे पास जो है वो बन जाता है, दैट इज एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आंसर हो गया इसका, अल्कोहल। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट? देखिए नॉर्मली जो है वो अगर ग्राउंड स्टेट में बात करें तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो होता है वो डायवेलेंट होता है, दो बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन जब हम एक्साइटेड स्टेट में बात करते हैं तो उस वक्त कार्बन हमारा जो है वो टेट्रावेलेंट हो जाता है, चार बॉन्ड बना सकता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 11 है, ओवरलैपिंग ऑफ टू पी ऑर्बिटल्स फॉर्म व्हाट? पी ऑर्बिटल्स आपको पता है कि जब वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, और अगर वो पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं तो फिर पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्वेश्चन 12 है, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज रिड्यूस टू द फैक्टर ऑफ 4, देन व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को 4 के फैक्टर पे रिड्यूस कर रहे हैं, तो दैट्स बात, दोनों को जब कम करेंगे तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक इन्वर्सली है, तो कोई यहाँ पर चेंज नहीं आएगी, सेम हो जाएगा ये। क्वेश्चन 13 है, सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ व्हाट? तो सेलुलोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड, और ये मेन कंपोनेंट होता है वुड का। क्वेश्चन 14 है, सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी कंपाउंड्स रोस्टेड इन रोटरी किल्न, व्हाट सब्सटेंस इज ग्रेटर परसेंटेज? देखिए सीमेंट में सबसे ज़्यादा हमारे पास लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हाईएस्ट परसेंटेज पूछ रहा है, तो लाइम है। सेकंड नंबर पे हमारे पास हाईएस्ट इसके अंदर सिलिका होता है, ठीक है, और जिप्सम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिप्सम की बात की जाती है तो वो 4% तक बस हमारे पास सीमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन 15 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंथैल्पी के बारे में? तो एच इक्वल टू ई प्लस पी वी भी होता है, और ये हमारे पास, अच्छा ई माइनस पी वी तो हम यहाँ पर नहीं देखते, एंथैल्पी ई प्लस पी वी हमारे पास होती है, ठीक है, तो ये डी के बजाय यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास ए करेक्ट होगा, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, दिस इज एंथैल्पी, तो एंथैल्पी को हम लोग एच से शो करते हैं, तो ये जो है वो एक तरह से हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को बताता है एंथैल्पी। क्वेश्चन 16 है, लास्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 3A के पास क्या होती है, हाई डेंसिटी, स्मॉल एटॉमिक साइज, लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी, इज नन ऑफ दिस? तो ग्रुप 3A को अगर हम पी ब्लॉक के अंदर अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो पी ब्लॉक के अंदर ना इसकी हाई जो हाई डेंसिटी की बात कर रहे हैं, स्मॉल एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो स्मॉल एटॉमिक साइज तो होता नहीं, और इस तरह से इसकी लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी भी नहीं होती 7 ग्रुप की तरह, हाँ लेकिन इसकी हाई डेंसिटी हो सकती है 1A2A के मुकाबले में भी, और आई थिंक 6A7 के मुकाबले, तो ये इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, दैट इज़ हाई डेंसिटी। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स के जैसे बोरॉन है, एल्युमिनियम है, इंडियम है, गैलियम है, थैलियम है, तो ये इन सब की डेंसिटी हाई होती है, तो इसका ए ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट होगा, तो डी के बजाय ए इसको लगा लें निशान, ठीक है। तो बस ये थे MCQs राउंड 2 डे 2 के, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को जो कि कल अपियर हो रहे हैं एंटी टेस्ट में। अल्लाह हाफिज़।